अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो आज मैं छोटा सा व्लॉग जो है वो आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है कुकिंग से रिलेटेड। तो आज मैं बहुत ही मज़े मज़े के जो है वो खाने आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि बहुत ही ज़बरदस्त दावत वाली जो रेसिपीज़ है ना वो कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है, एंड तक वीडियो को जो है वो देखना है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है इसमें मैंने तीन इसमें अदद जो है वो तीन अदद मैंने इसमें प्याज ग्राइंड कर लिए थे, तीन अदद जो है वो इसमें टमाटर ग्राइंड कर दिए थे और एक मुट्ठी भर के लहसुन जो है ना वो ग्राइंड कर लिया था इसमें। तो जो ये चिकन है ना वो मेरा तकरीबन है 750 ग्राम। इसको मैंने बारीक जो है वो स्लाइसेस में काट लिया है क्योंकि ये बोनलेस है, बहुत ही अच्छी जो है ना इसकी स्ट्रिप बनती है। तो नाइफ़ की मदद से मैंने इसको बारीक कट किया है। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है आपने। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें ये खाने का जो चम्मच है इसमें मैंने दही डाला है भर के। तो साथ में ये मसाला ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे। एक चम्मच जो है वो धड़ा मिर्च डाली है, एक चम्मच गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच जो है ना वो मैंने हल्दी डाली है, एक चम्मच नमक डाला है और ग्रीन जो है ना वो मिर्चें आपने 2 चम्मच डालनी है। सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किया है क्योंकि मुझे स्पाइस ज़्यादा चाहिए। और साथ में इसमें 2 से 3 जो है ना वो चुटकी आपने इसमें डाल देना है ज़रदा कलर, यानी कि जो येलो फूड कलर होता है ना वो आपने इसमें डाल देना है। और सारा जो चिकन है वो इस बाउल में हम निकाल लेंगे और इतनी प्यारी हमारी जो मैरिनेशन है वो तैयार हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त। सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमारी ये मैरिनेशन जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आप इसको पहले भी बना के रखना चाहो तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो टेंडर हो जाएगा। वैसे भी ये बोनलेस है तो बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने उसका पानी जो है वो खुशक कर लिया मसाले का। तो अब मैं इसमें जो है वो घी के 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी, जो 2 चम्मच होते हैं हांडी वाले वो 2 चम्मच मैंने इसमें घी के ऐड किए हैं। अदरवाइज़ आप तकरीबन 2 कप के करीब इसमें जो है वो ऑयल शामिल कर सकते हो। ऑयल अगर आपको कम चाहिए तो आप इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर लें। ये नॉर्मल जो कप है वो है, ज़्यादा बड़ा कप नहीं है। अच्छा, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। भूनना आपने इसको अच्छे तरीके से है क्योंकि इसमें जो है वो लहसुन की स्मेल नहीं आनी चाहिए इसमें से, ठीक है। अगर इसमें लहसुन की स्मेल आएगी ना तो खाने में जो है वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये इतनी मज़े की हांडी बनती है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपने कभी भी ये चिकन वाली हांडी जो है वो नहीं खाई होगी। रेस्टोरेंट से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये घर पे तैयार हो जाती है। बहुत दफ़ा आप जो है वो ट्राई किया होगा अपने रेस्टोरेंट का खाना, लेकिन आप मेरे कहने पर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद जो है ना वो टमाटर बारीक स्लाइसिस में काट दिए थे, 2 से 3 लेमन मैंने इसमें बारीक काटे थे और साथ में 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काटी थी और एक पूरी गट्टी जो है ना वो मैंने पुदीने की भर के इसमें डाली है। आप यकीन करेंगे गाइस, इतना मज़ा आता है। और फ्रेश जो है ना पुदीना मैंने इसमें डाला है, अच्छे तरीके से उसको वॉश किया था, उसकी जो पत्तियाँ हैं ना वो डाली हैं मैंने, डंडियाँ नहीं डाली। तो इससे जो है ना ये चिकन इतना ज़बरदस्त और इतना चटखारेदार बन जाएगा कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप जो है वो इसको लाजमी ट्राई करें। और साथ ही अब दूसरी साइड पे जो है ना दूसरी जो है वो डिश वो बनाते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो कुकिंग की समझ आ सके, ठीक है। ताकि आपसे जो है वो ये पुदीना गोश्त की जो रेसिपी है आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अच्छा, तो दोस्तों अब हम दूसरी रेसिपी जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आलू लोबिया बनाया है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने 2 अदद जो है ना नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 टमाटर लिया है 1 अदद और साथ में लहसुन लिया है। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि साथ ही जो है ना मैं आलू लोबिया जो है ना वो रेडी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि पानी खुशक हो, इससे अच्छा है कि साथ ही इसी पानी में जो है ना आलू भी मैंने डाल दिए और साथ में मैंने लोबिया भी ऐड कर दिया। तो इसी पानी में जो है ना ये पकना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो आलू है ना वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं, हमारा लोबिया जो है वो भी काफ़ी हद तक पक चुका है। तो अब इसमें जो है वो हम मसाला ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और साथ में अब नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, लेकिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और साथ में मैंने यहाँ पे पिसी हुई जो है ना वो सब्ज़ मिर्च ऐड की है, इससे इसका जायका जो है ना बहुत ही मज़े का होता है। तो देखें कि उसी पानी में जो है ना हमारी जो आलू और लोबिया जो है तो उस पानी में पक गए हैं। इस पर हमारा जो है ना वो एक्स्ट्रा टाइम जो है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो आप भी इसमें जो है ना वो बिल्कुल कम आप टाइम में जो है ना इस तरह हांडी बहुत ही जल्दी आपकी बन जाएगी और बहुत ही मज़े की बनती है और लहसुन की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो हांडी है वो बिल्कुल पक चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी हांडी है ना वो भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे अब हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। 1 किलो दूध लूँगी मैं। तो यहाँ पे ये जो है ना बॉयल्ड हुआ हुआ दूध है तो इसको जो है वो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 1 साशे कस्टर्ड का लिया है और 1 कप जो है ठंडा दूध में इसको मैं मिक्स करके ना, तो इसको मैं पकते हुए दूध में तेज़ आंच में ही दूध रखा हुआ है तो इसको साथ साथ हिलाते जाऊंगी और साथ साथ इसमें जो है वो कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। कस्टर्ड में कोई जो है ना वो गुठली नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे तरीके से आप मैश करना है। तो तकरीबन 10 मिनट में जो है ना वो हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि इसकी जो थिकनेस आपने कितनी रखनी है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कस्टर्ड बनाने का कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शुगर भी डाल दी है, चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे जो स्वीट चीज़ें होती हैं ना उसमें चीनी जो है वो ज़्यादा ही हो तो अच्छी लगती है, कम जो है वो मीठा अच्छा नहीं लगता। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टर्ड जो है ना वो मेरा तकरीबन रेडी हो गया है। आज मैं आपको इसको जो है ना वो बताऊँगी कि आपने इसको ठंडा किस तरीके से करना है। आपने इसको बर्फ़ में ठंडा करना है, ठीक है। तो आपका जो कस्टर्ड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बन जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा जो कस्टर्ड है ना वो तैयार हो जाएगा। तो आपने बर्फ़ तोड़ के तो उसके ऊपर जो है ना वो कस्टर्ड रखना है और साथ में इसको हिलाते जाना है। तो ये बहुत ही प्यारा जो है ना वो रेडी हो जाता है और बाद में आप इसको आराम से ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं और इसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इसमें मैंने वैसे तकरीबन 3 अदद जो है ना वो बनानास काटे थे और साथ में मैंने इस पर गार्निश कर दिया था मेवा जात और इसमें मैंने बादाम कटिंग करके डाले थे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो लुक वाइज लग रहा था और खाने में भी बहुत ही मज़े का लग रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट हमारा घर पे तैयार हो गया था और साथ में मैंने इसमें एप्पल भी डाला था। एप्पल जो है ना वो मैंने 1 अदद कट किया था बारीक और साथ में जो बनाना है वो मैंने इसमें 3 अदद डाले थे, ठीक है। तो अब चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल जो है ना वो 1 kg है तो इसमें मैंने पानी रखा था। चावल तो सिंपल तरीके से बॉईल करने आते हैं आपको, तो हर एक को पता है कि चावल कैसे उबाइल करते हैं। तो मैंने खुला पानी रख दिया और उसमें मैंने चावल धो के जो है ना वो इसमें डाल दिए थे और साथ में ऑयल डाला था उसमें 2 चम्मच और नमक डाला था 1 चम्मच। तो जब भी आपको लगे कि 1 कनी जो है वो हमारे चावल बॉयल हो गए हैं तो आपने इसको जो है वो स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। तो यहाँ पर जो है ना अब बना लेते हैं मंचूरियन। मंचूरियन मैं बनाऊंगी, आज हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस, साथ में मैं मंचूरियन बनाना बताऊंगी आपको। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा चिकन रखा है तो इसमें हम डाल लेंगे अंडा और साथ में काली मिर्च डालेंगे 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, नमक डालेंगे 2 से 3 चुटकी और इसको जो है ना वो आप कर लोगे मिक्स अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, 2 चुटकी इसमें येलो फूड कलर जाएगा। अब इस चिकन को हम करेंगे फ्राई, ठीक है। फ्राई हमने इसको इस तरीके से करना है कि हमारा चिकन जो है ना वो कच्चा ना हो, पका हुआ हो, क्योंकि मंचूरियन में चिकन जो है वो कच्चा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप के करीब। तो यहाँ पे इसमें जो है ना वो मैं चिकन को ऐड करूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है, बाकी ये मंचूरियन में पकेगा। तो बहुत ही प्यारा जो है ना हमारा मंचूरियन घर पे मैं आज आपको तैयार करने का तरीका बताऊंगी, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अपने वीडियो में साथ रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए ये सिर्फ 17 से 18 मिनट आपको लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी कितनी ज़्यादा रेसिपीज़ आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो कटिंग करके रख ली थी। तो गाजर को बारीक काट लिया था, साथ में शिमला मिर्च ली थी 2 से 3 अदद शिमला मिर्च एक ही दफ़ा मैंने कटिंग करके रख ली थी। प्याज मैंने इस तरीके से जो है वो कटिंग किया था क्योंकि ये मैंने मंचूरियन में डालना है इस वजह से, और 3 से 4 अदद इसमें मिर्चें जो है ना वो मैंने डाली हैं सब्ज़ बारीक स्लाइसेस में काट के, और टमाटर इसमें डाला है मैंने तकरीबन डेढ़ जो है ना 1.5 यानी कि जो है वो मैंने इसमें टमाटर के स्लाइसेस काट के डाले हैं और साथ में ऐड किए शिमला मिर्च 1 अदद। तो यहाँ पे आपने इसको जो है वो थोड़ा फ्राई कर लेना है। फ्राई आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि इसमें मैंने पानी ऐड करना है तो ये उस पानी के अंदर जो है ना ये टेंडर हो जाएगा आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये पक जाएगा। तो आपको ये
बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा जो है वो कच्चा रहेगा मंचूरियन, तो बहुत ही मज़े का जो है ना ये हो जाता है रेडी। तो अब आपने इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट डालने हैं। सबसे पहले जो है ना इसमें सिरका जाएगा, 2 चम्मच आप इसमें सिरका ऐड करोगे और 3 चम्मच इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ठीक है। तो इससे जो है ना इसका बहुत ही अच्छा जो है स्पाइस आता है और मंचूरियन को जो है वो चाइनीज़ लुक मिल जाती है और जो इसका टेस्ट होता है बिल्कुल चाइनीज़ जो है ना वो बन जाता है चाइनीज़ स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। धड़ा मिर्च डाली है 1 चम्मच का 1/3 हिस्सा, आप स्पाइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1 कप के करीब इसमें केचप ऐड की है। केचप मेरे पास जो है वो चिली सॉस वाली केचप है गार्लिक, तो आप भी कम या ज़्यादा कर सकते हो और आप सिंपल भी इसमें डाल सकते हो। तो 2 मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाली है बंद गोभी। तो जो मेरा आज मंचूरियन है ना ये बिल्कुल 1 डोंगा भर के जो है हमारा रेडी हो जाएगा। हालांकि बाहर से जो है वो बाज़ार से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन घर में आप बिल्कुल रीज़नेबल जो है ना वो आप बना सकते हो बिल्कुल ईजी वे में। और इसमें मैंने 2.5 गिलास के करीब जो है ना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको आप ढक के रख दोगे 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये पक जाएगा। तो अब साथ ही चाइनीज़ राइस हम बना लेते हैं। यहाँ पे फिर एक कढ़ाई लेंगे प्यारी सी और इसमें जो है 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 कप के करीब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे लहसुन को ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और चाइनीज़ राइस में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है अगर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट डालो, बहुत ही मज़े के बनते हैं राइस। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो है ना वो राइस की रेसिपी दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 अदद इसमें डाले हैं टमाटर और 2 अदद मैंने इसमें डाले हैं प्याज बारीक काट के नाइफ़ की मदद से, और साथ में इसमें शिमला मिर्च डाली है 2 अदद और 2 अदद भी इसमें मैंने गाजर डाली है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। और इसमें अब जाएगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्चें आप इसमें ना डाल सकते हो, 7 से 8 अदद भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है स्पाइस उनका। बंद गोभी मैंने इसमें डाली है तकरीबन 3 मुट्ठी भर की, क्योंकि चावल मेरे ज़्यादा हैं तो 1 किलो के करीब जो है ना वो चावल हैं तो इस वजह से। और अब मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो ऐड की हैं इसमें, मैंने 3 जो है ना वो चम्मच भर के सब्ज़ मिर्चों के ऐड किए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि बाजी क्या क्या बताई जा रही है, लेकिन आप यकीन करें कि आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप बहुत ही मज़ा आएगा और आपके घर वाले आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था खाना, उन्हें बहुत ही पसंद आया था, उन्होंने बहुत मज़े से खाया था ये इन्जॉय करके। साथ भी बल्कि कह रहे थे कि मुझे पैकिंग करके दो, मुझे साथ भी लेके जाना है। तो अब इसमें मैंने लेमन डाल दिए हैं, सोया सॉस डाला है इसमें, सिरका डाला है, सिरका मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाला है, सोया सॉस भी मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाला है। और अब डाला है मैंने इसमें गरम मसाला मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है, बहुत ही अच्छा स्पाइस आता है। नमक डाला है 1.5 चम्मच और धड़ा मिर्च डाली है इसमें 1/2 चम्मच और ब्लैक पेपर जो है ना वो भी इसमें डाली है, क्योंकि चाइनीज़ जो राइस है उसमें ब्लैक पेपर तो डलती ही है। तो अब आप ये ना सोच रहे होंगे बाजी हमें पता नहीं क्या क्या बताई जा रही है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो हमें दिए जा रही है। तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारा जो है ना मंचूरियन भी दूसरी तरफ रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे चाइनीज़ राइस बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें मैं मिक्स कर दूँगी चावल, तो चावल को जो है वो अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। बर्तन मेरा छोटा है तो यहाँ पे ना मैंने अब देगचा मंगवाया था अपनी भाभी से कि मुझे देगचा ला दें, उसके अंदर जो है ना मैं चावल जो है वो मिक्स कर लूँ। तो जब तक चावल वाला देगचा आता है तब तक जो है ना हम मंचूरियन को रेडी कर लेते हैं। तो इसको जो है ना वो बड़े देगचे में इंशाल्लाह मिक्स करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो चावल हैं ना वो बन चुके हैं। आप यकीन करें एक एक दाना जो है ना वो अलग-अलग है, एक एक दाना अलग-अलग है, बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे जो है ना हमारे चावल जो है वो बन के तैयार हो गए। तो यहाँ पे अभी कुछ थोड़ा सा जो है ना वो एक और चीज़ इसमें डाल दी है मैंने, मैं आपको बताती हूँ। 3 अदद आपने ना अंडे लेने हैं, तो इन अंडों में आपने क्या करना है, आपने येलो फूड कलर डालना है, क्योंकि एग फ्राइड राइस हैं तो इसमें आपने एग का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना है, बहुत ही अच्छा बनता है। जिन लोगों को अंडा नहीं पसंद वो ना भी डालें। तो यहाँ पर जो है बच्चे शौक़ से खा लेते हैं अंडा, तो इसलिए मैंने जो है ना वो अंडा फ्राई करना है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैंने येलो फूड कलर डाला था अंडों में, और साथ में 1/2 चम्मच जो है ना वो नमक डाला था ताकि जो है वो अंडा हमारा फीका फीका ना लगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है ना वो नमक उसका 1/2 चम्मच डाला है, दूसरा खाने वाला चम्मच ही आधा डाला। आप ये ना हो गया आप वो चम्मच डाल के बैठे हों तो वो बिल्कुल हमारे अंडे जो है वो कड़वे हो जाएँ, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और साथ साथ आप मुझे बताते जाएँ कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे जनाब अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर ना मैंने 3 चम्मच लिया था,
उसको मैंने पानी में मिक्स करके, तो तेज़ आंच पे ही था अभी, ये मीडियम फ्लेम पे था हमारा ना मंचूरियन, तो यहाँ पे मैंने इसमें साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। तो अब आपने ना इसको 10 मिनट के लिए पकाना है हल्की आंच पे, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है उसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ जो कॉर्नफ्लोर का है वो अजीब सा कच्चापन सा होता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे पका नहीं होता। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी फ्राइज़ बना लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने आलू कटिंग किए हैं 4 से 5 अदद, ये भी मैंने एग फ्राइड राइस में ही ऐड करना है। अब यकीन करें इतनी क्रंची जो है ना वो आपकी फ्राइज़ बनेगी कि बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि मैंने एग फ्राइड राइस में जो है ना वो नहीं डाला था, चिकन नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्राइज़ ही बना लूँ, तो इसलिए मैंने फ़्राइज़ बनाया। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बाजी ने मंचूरियन में क्या ऐड कर दिया एंड पे, तो यहाँ पर ना मैंने चाइनीज़ नमक इसमें ऐड किया, तो चाइनीज़ नमक डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही आला हो जाएगा। तो हमारी जो फ्राइज़ है वो भी बन चुकी हैं। अब आते हैं अपनी तैयारी की तरफ। तैयारी बिल्कुल अब कंप्लीट है। अब इन चावलों को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। हमारी फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। देगचा जो है ना वो भी आ गया है हमारा ज़बरदस्त सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ना इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए जनाब क्या चावलों की लुक है, आप यकीन करें बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ना देख के चावल होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपट चटखारेदार हमारे जो चावल है ना वो घर पे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें जो अंडे हैं वो भी डाल दूँगी और साथ में जो हमारी फ्राइज़ थी वो भी डाल दूँगी। आप यकीन करें कि चिकन के बगैर ही ना आपके चावल इतने ज़बरदस्त बन जाएंगे ना कि आपके सारे घर वाले जो है ना वो रेसिपी आपसे पूछेंगे कि यार आपने बनाया क्या, इसमें डाला क्या क्या है आपने। यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर जो है वो डाल दिया इसमें, और साथ में मैंने ना चाइनीज़ नमक भी इसमें डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें चाइनीज़ नमक डाला है। आप भी लास्ट में डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो अब आपने मुझे ये बताना है एंड पे कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत जो मैंने ज़बरदस्त बनाई है, मुझे तो पता है कि मैंने अच्छी बनाई है, लेकिन आपने मुझे बताना है कि आज की रेसिपी जो है ना वो आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पे जो है देखें जनाब क्या लुक है ज़बरदस्त चावलों की, और ये रायता बनाया था मैंने, ये आ गया जी जनाब मंचूरियन, और देखें ज़बरदस्त इसमें मैंने चिकन भी डाला था, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। और अब मैं आपको ना चिकन की जो है ना वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारा पुदीना गोश्त है, पुदीना गोश्त बन के तैयार हो गया था। एंड पे मैं दिखाती हूँ आपको कस्टर्ड, तो यहाँ पे नान मंगवाए थे साथ और साथ में थी कोक, तो जनाब आप क्या ज़बरदस्त मज़ा आ गया खाना खाने का, मज़ा ही आ गया, बहुत ही मज़ा आया खाना खाने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा लाजमी इस वीडियो को। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।